चले आप यू हैव द अली जफर साहब अपने मेंबर्स को कंट्रोल करें। चले आप आइन आइन पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 60 क्या कहता है। आप अली जफर साहब अपने मेंबर्स को कंट्रोल करें। चले आप यू हैव द फ्लोर। माइक ऑन हो, माइक ऑन हो। शुक्रिया जनाब प्रेसिडिंग ऑफिसर साहब। आप चूंकि खुद लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू द आर्टिकल 60 और जो बड़ा क्लियर है कि क्या हो सकता है टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस। तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी बेटर कि इस हाउस में हम कोई तो अच्छी रवायात कायम करें, क्योंकि रिसेंटली रवायात खराब की गई हैं। जनाब प्रेसिडिंग ऑफिसर साहब, मुझे आपने इजाजत दीजिए तो मैं आपको बताता हूं। माइक ऑन कर दीजिए अगर। आज अली जफर साहब जी, आज का इजलास जो जनाब प्रेसिडिंग ऑफिसर साहब जो बुलाया गया है, उसमें चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है। इस वक्त जनाब प्रेसिडिंग ऑफिसर, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, जो कि पाकिस्तान का एक लाजिम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूंकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 जिसका भी आपने ज़िक्र किया, उसके मुताबिक ये सेनेट का जो इजलास हो रहा है ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है। इसलिए इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। सेनेट एक हाउस ऑफ फेडरेशन है और ये हाउस ऑफ फेडरेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे सूबों, जो छोटा सूबा हो या बड़ा सूबा हो, उसमें एक बराबरी कायम करता है। उनको, हर सूबे को एक बराबर नुमाइंदगी की इजाज़त है। इनफैक्ट ये सेनेट को कहते हैं कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रोविंसेस। और ये नहीं हो सकता कि ये जो बराबरी है हमारी, इसका हम किसी तरह से नफी करें इसको और किसी भी सूबे को रिप्रेजेंटेशन के बगैर सेनेट का इजलास, जो सबसे अहम इजलास है जिसमें चेयरमैन को और नायब चेयरमैन को इलेक्ट करना है, वो हो जाए। क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर सर फेडरेशन को नुकसान पहुंच सकता है। जनाब चेयरमैन, आर्टिकल 59 की तरफ ज़रा गौर करते हैं। आपने ज़िक्र किया, आर्टिकल 59 कहता है सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स एंड 24 मेंबर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस। और आर्टिकल 60 कहता है कि आफ्टर सेनेट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 59, तब ही वो उसके ऊपर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। यानी कि मतलब ये है कि आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें, तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो कंप्लीट, वो मुकम्मल नहीं होता। और जब तक मुकम्मल नहीं होता तो किसी किस्म का इलेक्शन इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी नाजायज होगा। जनाब चेयरमैन का ऑफ सेनेट और नायब चेयरमैन का बहुत अहम रोल है। वो कस्टोडियन रहेंगे 3 साल के लिए इस हाउस के। वो हम सब के एक तरह से चेयरमैन होंगे पूरी सेनेट के। वो रूलिंग्स भी दे सकते हैं, वो सारी प्रोसीडिंग्स भी चला सकते हैं। इसलिए
ये नहीं हो सकता कि इतना अहम ओहदा उसका इलेक्शन हम इलिजिटिमेट कर दें, उसकी लिजिटिमेसी ख़त्म कर दें अपनी सियासत की वजह से। केपीके की जो सेनेटर्स हैं, जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं हैं और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज़ है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जनाब, एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो हरकत करता है, हर वो इकदाम उठाता है जो कि आईनी बुरहान पैदा करे। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व सीट्स के बगैर प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन तो करा दिया, लेकिन जब केपीके की सेनेटर्स की बारी आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन रोक दिया है। और इस वक्त जो हकीकत है वो ये है कि केपीके के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। हमें आधे सेनेटर्स नज़र आ रहे हैं, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी सारे पूरे हैं, केपीके का सिंध से भी सारे पूरे हैं, केपीके का कोई नहीं। उसके बगैर हम क्यों एक अच्छे भले इलेक्शन को, एक चेयरमैन के इलेक्शन को और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को हम एक तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं। जनाब, ये आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सारी वजह से पीटीआई का जहाँ तक मौकफ है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, हम भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहाँ एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास चल ही नहीं रहा, जहाँ इलेक्शन आइन के ख़िलाफ़ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस सेशन को पोस्टपोन किया जाए, और इस सेशन को पोस्टपोन करने तब तक किया जाए जब तक केपीके के इलेक्शंस नहीं हो जाते और केपीके के हमारे जो साथी हैं वो पूरी तरह इस आह्वान में आके तब तक हम इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। और आप इसको, आपसे इल्तिजा यही है कि इसको आप एडजर्न कर दें और तब ये सेशन कॉल करें जब हमारे केपीके से लोग आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। हमने एक खत भी लिखा है। सेक्रेटरी सेनेट को हमने एक खत भी लिखा था कल जी, और उसमें हमने ये लिखा था, उसका मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एज स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, द सेनेट इज टू कंप्राइज अ टोटल ऑफ 96 मेंबर्स विद 23 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोविंस एंड 4 फ्रॉम ICT. द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेनेट इज टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोविंसेस एंड यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, Sub-Article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar de sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members a chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces, ye bahut zaruri hai sir, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96 and Senate elections in KP are held, which is mandatory, and the unit of the federation is not deprived of its constitutional representation. It is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the Senate. Janab, pura general election controversial hua hai, ek aur election ko hum kyon uski legitimacy ko ja rahe hain phir se nuksan pahunchane.
तो ये दरख्वास्त है आपसे। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अली जफर साहब। एक सेकंड, मेरी गुजारिश ये है कि आपने आर्टिकल 60 पढ़ा है को थोड़ा बहुत, मुझे भी 35 साल इन एवानों में, इट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी उस वक्त सेनेट नहीं था। मेरा ख्याल है कि बजाय मैं इसको आर्गू, लेट मी बी न्यूट्रल अवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब, आई वुड आस्क हिम टू प्लीज एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन, विल कम बैक। देखिए अभी इन्होंने खुद पढ़ा अली जफर साहब ने, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी बिजनेस, तो सबसे पहले तो ओथ है, जो हम काम कर रहे हैं एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हम जो सेनेटर्स इलेक्ट है दे कांट इवन सिट और वोट अंटिल दैट प्रोसेस ऑफ ओथ टेकिंग इज ओवर, वो भी हमने नहीं किया। तो मेरी गुजारिश ये है लॉ मिनिस्टर साहब को, मैं